जिस अस्पताल का उद्घाटन करते समय सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब यहां के लोगों को दूसरे राज्य में पटना में चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार का अस्पताल या पटना और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी क्या कुछ कहा था, क्या दावा किया गया था, वह आप इस वीडियो में देखिए। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं इस राज्य के अंदर होनी चाहिए कि हमारे राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार के सुपर स्पेशलिटी के अंदर भी चिकित्सा की जरूरत पड़े, किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी चिकित्सा कराने की जरूरत पड़े, अत्याधुनिक से अत्याधुनिक उपकरण की जरूरत पड़े, तो राज्य की जनता को बिहार से बाहर मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगी। यह सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। दावे की पोल खोल रही है यहाँ के जन आंदोलन करते जन नेता और यहाँ के आम लोग। आम लोगों की माने तो इस अस्पताल में जो इलाज कराने जाते हैं, वह अगर मरीज कम बीमार पर रहते हैं तो इलाज के दौरान वह ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं और उसे रेफर कर दिया जाता है। यह विश्व स्तरीय अस्पताल नहीं, रेफरल अस्पताल बन चुका है। यहाँ से पेशेंट को सिर्फ रेफर किया जाता है, इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। इसको लेकर यहाँ के आम नागरिक मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मिलते भी हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री से भी शिकायत होती है। मुख्यमंत्री फोन लगाकर आला अधिकारी को फटकार भी लगाते हैं कि ऐसे ही हम अस्पताल खोलते रहे और ऐसे ही कुव्यवस्था होती रहे तो क्या फायदा। मधेपुरा में सर वहाँ बहुत बड़ा चीज है, मेडिकल कॉलेज सर, आम आदमी को सुविधा नहीं मिल पाता है सर, वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर की अभाव है, जो 6 महीना से सर अल्ट्रासाउंड काम करना बंद कर दिया, वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है सर। हेलो, जन आए हैं बता रहे हैं वहाँ के बारे में, तो मेडिकल कॉलेज खोलते रहेंगे और वहाँ पर होगा ही नहीं, तो बताइए ना, इसका तो तीसरा साल हो गया। यहाँ पर इलाज मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं, मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पे होता है, तो क्या फायदा। 800-900 करोड़ लगाकर यह मेडिकल कॉलेज बनाने का तो क्या फायदा, विश्व स्तरीय जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज नाम देने का। यहाँ तक कि यहाँ के एक उप प्रमुख हैं मुकेश यादव, उन्होंने दावा किया है कि 4 सालों का यहाँ पर वक्त गुजर गया। यहाँ के 2020 में 100 स्टूडेंटों ने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन मात्र 2 प्रोफेशन उनको पढ़ा पा रहे हैं। रिक्त पदों की अभी तक भर्ती नहीं हुई है। यहाँ के पे जो पढ़ के जाएंगे वह मरीजों का इलाज करेंगे या नस काटेंगे यह किसी को पता नहीं, कैसे डॉक्टर निकलेंगे यह किसी को जानकारी नहीं। यह बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है यहाँ के उप प्रमुख मुकेश यादव। कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, ये फिलहाल जो स्थिति है, यह कहा जाता था कि एशिया की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज, लेकिन यह बन गया है विश्व स्तरीय रेफरल मेडिकल कॉलेज। अभी की स्थिति देखकर यहाँ पर एक जन नागरिक मंच तैयार हुआ है और आप तस्वीरों के माध्यम से इधर देख ले कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, नेताओं का भाषण चल रहा है। इधर की स्थिति देख लीजिए, यह 5-स्टार युक्त आपको मेडिकल कॉलेज दिख रहा होगा, बिहार का कोसी सीमांचल का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। अब इसकी स्थिति को लेकर यहाँ के जो जमीनी स्तर के नेता है, जो प्रमुख है, उप प्रमुख है और जितने जनप्रतिनिधि है, सभी ने कमर कस लिया है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबका एक ही नारा है कि हमारा मेडिकल कॉलेज में सुधार होना चाहिए, गरीबों का इलाज होना चाहिए। हमारे साथ प्रमुख साहब, इनसे बात करेंगे क्या कुछ 4 साल बीत गए, अब कैसे लगा कि इसको लेकर आपको धरना देना चाहिए और इसकी तैयारी कब से शुरू की, क्या उद्देश्य है। यह दलगत भावना से ऊपर उठकर नागरिक मंच मधेपुरा में बनाया गया है। यह 800 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई आप दिखा रहे हैं, इसमें ना कोई डॉक्टर है ना इलाज होता है कोई, एक साधारण सा बुखार का आप जांच भी नहीं मेडिकल कॉलेज में सुविधा है,
इससे तो अच्छा मेरा सिंहेश्वर का TSC है, उसमें जांच कम से कम बुखार वगैरह का होता है। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन में MD होना चाहिए, MD नहीं है। यहाँ के कुछ लोकल डॉक्टर जो साजिश करते हैं, यहाँ पर क्लिनिक खोले हुए बगल में, यहाँ से पेशेंट ढोने का काम कर रहे हैं। इसको इस मंच के माध्यम से ये सब चेतावनी हम लोग आज देने आए हैं, जो आप सुधर जाओ, नहीं तो यह आंदोलन और बुलंद तरीके से किया जाएगा। इसमें दवा के नाम पर यहाँ के जो डॉक्टर लिखते हैं, एक पसंदीदा कंपनी का लिखते हैं, उससे कमीशन यहाँ के अधीक्षक भी खाते हैं। यह बहुत ही दुखद है। यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। आज विगत 2 साल से अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट विभाग में कोई नहीं है। यहाँ पर न्यूरो का बहुत सारा समस्या है, रोड एक्सीडेंट होता है, उसका जो है यहाँ पर समुचित इलाज न्यूरो का डॉक्टर है ही नहीं। यहाँ के डॉक्टर आदमी बहुत खुश हुए थे कि मेडिकल कॉलेज हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज के नाम पर एक PSC के बराबर रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। छोटे छोटे बीमारी में भी यह रेफर कर देते हैं। देखिए, रेफरल अस्पताल बना है, हमारे साथ उप प्रमुख साहब भी है, ये काफी इस मेडिकल कॉलेज से कहते हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कुछ समस्या देखने को मिलती है? पहले समस्या पे बात कर लेते। समस्या जब गिनाने लगेंगे तो शायद आप उसको नहीं चला पाइएगा। समस्या ही समस्या है, समस्या है कहाँ नहीं। एक पीने का पानी से लेके और रोगी को देखने के डॉक्टर से लेके दवाई तक का समस्या है। आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज कैंपस में तो एक चापाकल की व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ का पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो पानी पिएगा, वो रोड किनारे एक चापाकल है, वहाँ से पानी भर के ले जाते हैं और तब वो पानी पीते हैं। दूसरी बात है, यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, MRI की व्यवस्था है, हर जांच की व्यवस्था है, हर जांचे की करोड़ों की मशीन यहाँ जंग खा रही है, सफ़ेद हाथी बन के रह गए हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट की डॉक्टर यहाँ थी, वो 1 साल तक अपना वेतन लेते रही और मेडिकल कॉलेज को वेतन देते रहा, लेकिन सस्पेंड तक उसको नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ उसके हस्बैंड भी इस मेडिकल कॉलेज में एक MD की डॉक्टर है, प्रोफेसर है। सबसे बड़ी बात यह है, ये मेडिकल कॉलेज का छात्र फाइनल ईयर में पहुंच चुका है, आपको पता होगा, मालूम होगा, लेकिन ये 2 प्रोफेसर के सहारे इस मेडिकल कॉलेज में 100 में जो सीट है 100 डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है और प्रोफेसर 2 है। आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो डॉक्टर यहाँ से निकल के पेशेंट का नस काटेंगे या वो इलाज करेंगे। मेडिकल कॉलेज है, 4 साल से हम लोग देखते हैं, आज जो विधि व्यवस्था को सुधारेगा कल सुधारेगा, लेकिन 4 साल के अंदर में अभी तो कोई विधि व्यवस्था जब नहीं सुधरा तब जो है यहाँ का जनता, यहाँ का नेता सब एक मंच पे आके नागरिक मंच बना और मंच से चैलेंज करने के लिए तैयार हो गया सरकार को, डॉक्टर को, कि विधि व्यवस्था को सही कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन। चलिए, आप तो आगे देखना है, यहाँ पर लोगों में आक्रोश पनप गया है। आम लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं, आम लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आम लोग अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया, 4 सालों तक हमने बर्दाश्त किया आपकी लापरवाही को, सरकार की गलत नीतियों को, सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं किया, बस हाथी का दांत दिखाने के लिए जिस तरह से होता है वैसे ही 5-स्टार नुमा इमारतें खड़ी कर दी है और इस इमारत को दिखा दिखा कर लोगों से वोट लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो लोग वहां पर इलाज कराने जाते हैं वहां पर एक साधारण जो अल्ट्रासाउंड हर मेडिकल कॉलेज, हर हॉस्पिटल, हर यहां तक कि PHC में भी होता है, वह इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है। MRI की करोड़ों की मशीन जब से इस मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन हुई है तब से जैसी की तैसी वहीं पड़ी हुई है, धूल फांक रही है। ऐसे ही लाखों करोड़ों के उपकरण मेडिकल कॉलेज में पड़े पड़े बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की घोर कमी है। इसी तरह से यह अस्पताल चल रहा था, 4 साल बीत गए, लेकिन
यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सब मौन पड़े थे, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। तभी एक जन आक्रोश का समूह ने पूरे इस मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार को, मेडिकल कॉलेज के कुव्यवस्था को के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। आम नागरिक इसमें किसी पार्टी के कोई नेता नहीं थे, और कोई नेता भी था तो वह किसी पार्टी का बैनर के तले नहीं आया था। वो एक आम नागरिक की तरह, मधेपुरा के आम नागरिक की तरह, आम नागरिकों के हक के लिए, हुकूक के लिए वो इस आंदोलन में शामिल हुआ था। और इस आंदोलन को कवर करने के लिए जब हम पहुंचे तो क्या कुछ हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा, क्या कुछ लोगों से बात हुई, क्या कुछ लोगों ने कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई, लेकिन जो सपना था कोसी और मधेपुरा के इलाके का, जो सपना दिखाया गया था कि यहाँ से कोई पेशेंट पटना, पूर्णिया, दरभंगा नहीं जाएगा और उसके लिए यह वरदान साबित होगा, लेकिन आज 4 वर्ष के बाद मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि ये वरदान नहीं, मधेपुरा और कोसी के लिए अभिशाप साबित हुआ। आज यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में नहीं जाना जाता, रेफर अस्पताल के रूप में जाना जाता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता, यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई गंभीर जांच नहीं होती है, अल्ट्रासाउंड 2 साल से बंद है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। ये पूरे अराजकता का केंद्र बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। और यहाँ के जो डॉक्टर, एक तो MBBS सामान्य डॉक्टर यहाँ हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं और यहाँ से दलाल के माध्यम से पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक पर भेजा जाता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से पंगु है, लचर है। यहाँ का अधीक्षक वह जो है भ्रष्ट है। सबसे पहले कोसी का ये पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ बहुत ही उम्मीद से, खास करके जननायक कर्पूरी जी की जब मेडिकल कॉलेज खुली थी तो लोगों को लगा था कि यहाँ गरीबों का इलाज होगा, दलितों का इलाज होगा, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती है, प्रसव पीड़ा से, उनका इलाज होगा। लेकिन यहाँ समझिए एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। यहाँ एक न्यूरो सर्जन नहीं है, MR की कोई व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार आप देखेंगे कि ब्लड भी यहाँ बाहर से लोगों को ला करके देना पड़ता, तब चढ़ाया जाता। मैं लगातार दौरा करती हूँ, मैं डॉक्टरों से, खास करके डॉक्टर और मरीज का जो एक रिश्ता होता है वो व्यवहार उनका अच्छा नहीं है। लगातार लोग यहाँ से दम तोड़ते हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है, लोग को दिल्ली, पटना, बम्बई जाने की क्या आवश्यकता है, जब यहाँ 800 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। तो ये दुखद